थेनोस डेथ के कोर्ट से नेक्सस ऑफ रियलिटी की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा था कि अब इन बिटवीनर प्रिजनर बन चुका है लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर का, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अव्यवस्था और व्यवस्था। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं और एक होते हैं, वहाँ पर इन बिटवीनर कैद था और उस जगह को कहते हैं नेक्सस ऑफ रियलिटी। थेनोस सोच रहा था कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसी जर्नी कभी नहीं की थी, लेकिन अब बदल चुका है, अब सब कुछ बदल चुका है। अब मैं एजेंट बन चुका हूँ डेथ का और साथ में एक प्रेमी भी, तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। सब रियलिटी की तरफ बढ़ते हुए थेनोस स्पिरिचुअली और फिजिकली डिस्ट्रॉय हो रहा था और फिर से हील होकर वो जिंदा भी हो रहा था। तब चाहते हुए वो सोचता है, मेरा रास्ता मुझे ऐसे डायमेंशन से ले जा रहा है जो अनगिनत है और मेरे समझ के बाहर भी है। ये रियलिटीज़ मुझे तबाह करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ताकतों के साथ, लेकिन ये मुझ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगी क्योंकि थेनोस इन सबको झेल चुका है। और मैं हमेशा खुद से सच ही बोलता हूँ, मैं थेनोस हूँ और मैं एक यूनिक बींग हूँ किसी भी रियलिटी के लिए। नेक्सस ऑफ रियलिटी में कदम रखते हुए थेनोस सोच रहा था, मेरी जर्नी का एंड होगा ड्रामेटिकली। कोई भी ऐसा नेक्सस ऑफ रियलिटी में कदम कैसे रख सकता है, जो कि बेसिक है किसी भी एग्जिस्टेंस का, जिसके ऊपर एग्जिस्टेंस डिपेंड हो सकती है। ये वो प्लेस है जहाँ पर दो कॉस्मिक एंटिटीज ऑर्डर और केओस रहती है, ये दोनों शेयर करते हैं इस रिलीम को। थेनोस आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, जाहिर सी बात है कि इन बिटवीनर का प्रिजन रखा गया होगा एक्चुअलिटी के छोर पर और वहाँ गार्ड्स भी होंगे। ये क्रिएचर्स मिक्सचर है रियलिटीज का और वो एक बहुत अच्छे पहरेदार है, वो मुझे सेंस करके मुझ पर अटैक करेंगे, लेकिन वो डिजाइन किए गए हैं मुझसे कम खतरनाक घुसपैठियों के लिए। तब थेनोस आगे बढ़कर सभी पहरेदारों को अपने एक ही एनर्जी ब्लो से मार देता है और ग्रीट करता है इन बिटवीनर को, जिस पर इन बिटवीनर पूछता है, तुम तो हाफ गॉड थेनोस हो और मैंने सोचा था तुम मर गए, जिस पर थेनोस जवाब देता है, ज़्यादा देर नहीं। तब इन बिटवीनर आगे पूछता है, कौन सी चीज़ तुम्हें यहाँ खींच लाई, जिस पर थेनोस जवाब देता है, तुम। मैं यहाँ तुम्हें इस कैद से आज़ाद करने आया हूँ। तब इन बिटवीनर पूछता है, मैं तुम्हारे इंटेंशन की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि थेनोस अपने उदारता के लिए जाना नहीं जाता। तब थेनोस कहता है, हाँ, लेकिन प्रैग्मेटिज्म के लिए मैं मशहूर हूँ। बिटवीनर थेनोस से आगे कहता है, आगे कहो, मैं सुन रहा हूँ। उस पर थेनोस कहता है, मैं अभी गुलाम हूँ मिस्ट्रेस डेथ का और ये छोड़ना भी आसान नहीं है। तब इन बिटवीनर कहता है, तब तक नहीं जब तक तुम्हें कोई न्यू प्रोटेक्टर ना मिल जाए, जिस पर थेनोस कहता है, एग्जैक्टली, जो मुझे डेथ के हाथों से परे रख सके। तब इन बिटवीनर कहता है, और तुम इसलिए मुझे फ्री करके मेरा अनडाइंग ग्रेटिट्यूड पाना चाहते हो। तब थेनोस कहता है, हाँ, इसी के दम पर मैं आज़ाद होऊंगा। तब इन बिटवीनर सोचने लगता है, इस पागल को लगता है कि मुझे इस जैसा कोई गुलाम चाहिए, लेकिन रेस्क्यू मेरे लिए ज़रूरी है और मैं इसके साथ मिलकर ये कर सकता हूँ, और एक बार मैं बाहर आ गया तो फिर मैं थेनोस को मजा चखाऊंगा। थेनोस मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। इन बिटवीनर थेनोस से कहता है, तो बताओ थेनोस, तुम्हारे पास इतनी पावर्स है कि मुझे इस कैद से अलग कर सके। तब थेनोस कहता है, नहीं, लेकिन अगर हम दोनों साथ में मिल जाए तो ये हो सकता है। तुम अपना मैजिक ट्राई करो अंदर से, जबकि मैं अपनी ताकत लगाऊंगा स्पेयर को तोड़ने में बाहर से। तब इन बिटवीनर कहता है, ये लग तो एक प्लान जैसा रहा है, तो शुरू करते हैं। और वो अपना मैजिक यूज करना शुरू कर देता है। तब थेनोस को बाहर से सेंस होता है कि वो प्रिजन वॉल्स कमज़ोर हो रही है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। थेनोस और इन बिटवीनर मिलकर उस प्रिजन को तोड़ देते हैं और बाहर आकर इन बिटवीनर कहता है, आखिरकार लंबे समय के बाद मैं फ्री हो गया और ये सच है कि मैंने अपनी होप छोड़ दी थी। तब थेनोस कहता है, थेनोस के रहते होप नहीं छूट सकती। तब इन बिटवीनर उसे जवाब देता है, हाँ, थेनोस, तुमने मुझे आखिरकार बचा लिया। तब इन बिटवीनर थेनोस से कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ तुम्हारे इस काम के लिए, जिसने डेथ तक को छोड़ दिया मेरी गुलामी करने के लिए, या फिर मैं तुम जैसे गद्दार पर कैसे भरोसा करूँ। तब उसे मारते हुए थेनोस कहता है, तुम अपने घमंड में पागल हो चुके हो, तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं डेथ को छोड़ूंगा।
वो भी तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस स्टोन के लिए आया था। और वो इनबिटवीनर के सिर पर लगा स्टोन निकाल लेता है। इनबिटवीनर थानोस से पूछता है, ऐसा कैसे हुआ? जिस पर थानोस जवाब देता है, क्योंकि यहाँ पर एक समतल है, ये नेक्सस ऑफ रियलिटी है, यहाँ पर कोई भी दो धारा नहीं है, यहाँ पर केओस और ऑर्डर एक साथ रहते हैं, और तुम्हारी यूनिक पावर्स इन दोनों को फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तब इनबिटवीनर उससे पूछता है, लेकिन इन तख्तों ने स्पेयर के अंदर काम किया था। तब थानोस उसे जवाब देता है, क्योंकि केओस और ऑर्डर ऐसा चाहते थे, वो तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहते थे, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। उनका मन तुमसे भर चुका है, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ एग्जिस्टेंस में कैद करके रखा, ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको, और उन्हें लगा नहीं होगा कि तुम इससे बाहर निकल पाओगे, और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि मैं उन बीइंग में से हूँ जो यहाँ पर आने की काबिलियत नहीं रखते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में नहीं जानते, वो अलर्ट हो चुके होंगे कि तुम यहाँ से भाग निकले हो, तो वो यहाँ पर आ रहे होंगे। मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा बर्ताव करेंगे, वो अब तुमसे अपसेट होंगे। और थानोस के टेलीपोर्ट होते ही वहाँ पर केओस और ऑर्डर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इनबिटवीनर कहता है, मेरी बात सुनिए, मेरी इसमें गलती नहीं है, ये सब थानोस का काम है, उसने ये किया है, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें सिर्फ चीख सुनाई देती है, वो भी इनबिटवीनर की।